अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फबिया जमील और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है अफेक्टिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पार्ट टू। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पार्ट वन पे थी, विच वाज अबाउट कॉग्निटिव डोमेन। तो आई थिंक इस वीडियो पे जाने से पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चले कि मैं डोमेन्स कैसे पढ़ाती हूँ। उसमें एक कम्प्लीट ओवरव्यू है और ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हम कॉन्टेंट्स पढ़ेंगे वो होंगे इंटरनलाइजेशन के ये प्रोसेस क्या है, किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन की कैटेगरीज या लेवल्स या सब डोमेन्स क्या हैं, यूज़ ऑफ डोमेन इन द क्लासरूम, इस डोमेन को हम क्लासरूम में कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, एंड हाउ टू मेक ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ अफेक्टिव डोमेन, यानी कि इनके ILOs कैसे बनते हैं, मकासद जिसे हम कहते हैं वो कैसे बनते हैं, वो लास्ट में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है इंट्रोडक्शन टू अफेक्टिव डोमेन। This domain includes emotions, attitudes and feelings of learner. Now, according to Bloom's और उन्होंने जो कमिटी बिठाई थी उन्होंने ये बात कही कि हर ह्यूमन में तीन किस्म के लर्निंग बॉक्सेस होते हैं जिसके थ्रू वो लर्निंग प्रोसेसेस से कनेक्ट होते हैं। तो पहला तो कॉग्निटिव था, दूसरा अफेक्टिव और थर्ड साइकोमोटर है। अफेक्टिव में ये बताया जा रहा है कि ये लर्निंग बॉक्स, इसमें वो सारी फीलिंग्स और इमोशंस और एटीट्यूड्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी लर्निंग प्रोसेस से कनेक्ट होते हैं। यानी कि कोई ऐसा चैप्टर चल रहा है या कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जो कि स्टूडेंट की फीलिंग्स या इमोशंस को प्रोवोक करे और उसको मोटिवेट करे, तो उस चैप्टर में आप समझ लें कि यहाँ पे हमें अफेक्टिव डोमेन को यूज़ करना है। और क्लास में मैंने वैसे ज़्यादातर देखा है कि कॉग्निटिव डोमेन यूज़ होता है क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और हम कहें कि बहुत कुछ ऐसा जो कि थिंकिंग प्रोसेस से रिलेट करता है, इसलिए वो क्लास में यूज़ होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक बच्चे को एक अच्छा सिटीज़न बनाना या उसको मिच्योर बनाना या उसके करेक्टर को अच्छे तरीके से शेप करना ये एक टीचर का काम है, या उसको उसमें बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स करवाना भी एक टीचर का काम है। तो आई थिंक अफेक्टिव डोमेन के थ्रू भी हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए और इसको क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए। अब हम अफेक्टिव डोमेन की कैटेगरीज पे जाने से पहले एक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरनलाइजेशन। और हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगी तो इसको जानना ज़रूरी है। तो अ प्रोसेस ऑफ हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड एब्जॉर्व द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ देयर ओन इमोशनल सेंसिटिविटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट रादर देन टू बी टोल्ड समथिंग स्पेसिफिकली। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ अपने अंदर जो नॉलेज एब्जॉर्व करते हैं वो अपनी जो उनकी पर्सनल परसेप्शन होती है ना, पर्सनल इमोशनल जो इमोशंस जो होते हैं उनके बिहाफ पे वो किसी भी नॉलेज की चीज़ को या किसी भी लर्निंग को अडॉप्ट करते हैं, ना कि हम उन्हें बताएं, ना कि हम उन्हें शेप करें। कि अगर जैसे हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि ये एक चीज़ है या ये एक राइटर है, आपने इसको लाइक करना है या डिसलाइक करना है, ठीक है, ये हो गया, हमने उसको एक्सटर्नल तरफ से कुछ बता दिया। इंटरनलाइजेशन वो प्रोसेस है जब स्टूडेंट खुद अपने अपने दिमाग में या हम कहें कि वो खुद अपने इमोशंस या एटीट्यूड्स फीलिंग्स के बिहाफ पे सोचे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ये प्रोसेस जो है इसका एक ये भी मतलब है कि आप किसी भी फीलिंग में जब कम्प्लीटली डीप डाउन चले जाएं और वो फीलिंग आपको शेप कर दे, आपको एक नया बंदा बना ले, तो उस प्रोसेस को भी हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं। और ये दोनों मैंने जो डेफिनेशन बताई ये कम्प्लीटली एजुकेशन की डेफिनेशन से सेम ही है। अब हम जब पढ़ेंगे इसको कैटेगरीज के साथ तो ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। कैटेगरीज इसकी हैं, पांच कैटेगरीज हैं इस डोमेन की अफेक्टिव की, जो कि है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। अब रिसीविंग जो है इसकी पहली कैटेगरी है जहाँ पे इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। फिर रिस्पॉन्डिंग में इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, वैल्यूइंग में थोड़ा और इसकी डिमांड होती है। जब तक ये प्रोसेस करेक्टराइजेशन तक बढ़ता है, आप समझे जब बच्चा करेक्टराइजेशन पे पहुंच गया है, इट मींस कि वो उस फीलिंग में या उस चैप्टर में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो चुका है और उस चैप्टर ने उस बच्चे को एक नया बिहेवियर दिया है। दिस मीन्स कि आपकी इंटरनलाइजेशन की जो पावर है वो आगे जा चुकी है। अब करेक्टराइजेशन कहा जाता है कि बहुत टफ इसका स्टेज है इनका अफेक्टिव डोमेन का। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, पहला जो हमारे पास कैटेगरी है जिस पे लिखा हुआ है रिसीविंग, मेरे ख्याल से जब तक बच्चा रिसीव नहीं कर रहा, ना वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा, ना वो वैल्यू कर पाएगा और ना ही वो अगले दो स्टेप्स पे पहुँच पाएगा। सो रिसीविंग से ही टीचर का काम स्टार्ट होता है, इस प्रोसेस से ही हमने बच्चे के ऊपर होल्ड करना होता है। अब हम इसकी कैटेगरीज को डीप पढ़ते हैं कि ये क्या है।
पहला है रिसीविंग। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, हम कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा रिसीव कर रहा होता है अपने पैसिव स्किल्स के थ्रू। पैसिव स्किल्स वो जहाँ पे बच्चे को कुछ प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा, वो सुन रहा है या वो उसको रीड कर रहा है या वो देख रहा है, उसको अवेयरनेस मिल रही है कि टॉपिक एक्चुअली किस बारे में है, वो कम्प्लीटली उसको रिसीव कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा फ्रूटफुल लेक्चर दें कि वो रिसीव करे, ताकि रिसीविंग के बाद वो रिस्पॉन्ड और बाकी सारे प्रोसेसेस तक जा सके। इसके जो वर्ब्स हैं वो हैं फॉलो, लिसन, आस्क, रीड, रिसीव, सिलेक्ट। अब आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पे आस्क क्यों लिखा है, आस्क में तो प्रोडक्शन हो रही है। देखें, अगर एक बच्चा रिसीव नहीं कर रहा, हम कहते हैं ना क्लास में कि प्लीज़ क्वेश्चंस पूछें, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो हमें पता ही नहीं चलता टीचर्स को कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। अगर एक बच्चा आस्क करता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसने पहला पार्ट रिसीव किया है और वो आपसे और इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाह रहा है, इसलिए वो आपसे पूछ रहा है। तो ये जो सारे वर्ब्स हैं ये रिसीविंग में आते हैं। अब इसके ILOs कैसे बनेंगे? बाय द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक, राइट, लिसन टू अदर्स ओपिनियन विद रिस्पेक्ट एंड फॉलो द रूल्स। अब बच्चे में रिसीविंग की आदत होगी या वो रिसीव कर रहा है तो वो ये सारे काम कर सकेगा। और ये कौन इंश्योर करेगा? हम टीचर्स इंश्योर करेंगे। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाने हैं और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों लाजमी। इससे मुख्तलिफ भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, इसके बहुत ज़्यादा वर्ब्स थे, जब मैंने देखे तो 30 से भी ज़्यादा आई थिंक, बल्कि बहुत ज़्यादा वर्ब्स थे। सेकेंड हमारे पास है रिस्पॉन्डिंग। अब रिसीव कर लिया यानी कि बच्चा, अब यहाँ पे अगर सपोज बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट मीन्स कि उसका इंटरनलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा और बढ़ गया है, वो उस काम में डीप चला गया है, तो अब वो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहता है। तो इसका मतलब है पार्टिसिपेट करना एक्टिवली। एक्टिवली स्किल्स, एक्टिव स्किल्स यहाँ पे यूज होंगे, यानी कि स्पीक करना और इसके अलावा कुछ राइट करना। दिस मीन्स कि आपने रिस्पॉन्ड किया या बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसके वर्ब्स भी रिस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही होंगे, जैसे कि आंसर, ठीक है, आपने उससे क्वेश्चन किया तो वो आपको आंसर कर रहा है, इट मीन्स कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिप्लाई, ग्रीट, ठीक है, आपने उसको बताया कि मैंने ये टेस्ट क्लियर किया है, तो अब उसने आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव की एंड नाउ ही इज ग्रीटिंग यू। यानी कि हमने पहला लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, अब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, विच मीन्स कि हमारा फर्स्ट लेवल हम क्वालिफाई कर चुके हैं। हेल्प कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है या राइट कर रहा है, ये सब रिस्पॉन्डिंग में आता है। अब इसके ILOs क्या बन रहे हैं? स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन टू द क्लासरूम, यानी ही इज पार्टिसिपेटिंग, एंड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस, परफॉर्म द इन्फ्लुएंसिंग रोल्स। तो ये सारी पार्टिसिपेशंस आती हैं रिस्पॉन्डिंग में। थर्ड हमारे पास है वैल्यूइंग। अब उसने रिसीव भी किया, रिस्पॉन्ड भी किया, अब उसने यहाँ पे फैसला करना है कि वो इस चीज़ को वैल्यू करता है या नहीं करता। तो वैल्यूइंग का एक्चुअली मतलब ये है कि बच्चा किसी चीज़ की वर्थ को जान ले कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ की वर्थ करनी है। और ये सब कुछ हम नहीं करवाएंगे, ये उनकी उसकी पर्सनल इंटरनलाइजेशन फीलिंग उससे करवाएगी। इसके वर्ब्स हैं अप्रिशिएट, यानी वो वैल्यू कर रहा है तो वो अप्रिशिएट भी करेगा। डेमोन्स्ट्रेट, वो वैल्यू कर रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा। जस्टिफाई, ठीक है, शेयर, इनवाइट, जॉइंस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि वैल्यूइंग में आती हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्रिशिएट द कल्चर, यहाँ से पता चल रहा है कि वो कल्चर को वैल्यू कर रहा है तो वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। ज्वाइन द वर्कशॉप रिगार्डिंग बुलिंग, कि स्टूडेंट को पता है कि मैंने बुलिंग के बारे में सुना है और वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो अब वो ऐसे वर्कशॉप्स ज्वाइन कर रहा है जो कि बुलिंग के पे बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि वो इस बुलिंग के कल्चर को पसंद नहीं कर रहा और वो इस चीज़ की वैल्यू कर रहा है कि स्कूल में एक पीसफुल माहौल हो, तो इसलिए वो ज्वाइन कर रहा है, विच मीन्स ही इज़ एक्चुअली वैल्यूइंग टू ऑल दिस स्टफ। एंड जस्टिफाइज द ओपिनियन ऑफ द राइटर, दिस एक्चुअली मीन्स वही बात होगी कि वो राइटर को वैल्यू कर रहा है तो वो जस्टिफाई कर रहा है उसको। फिर फोर्थ हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पे वैल्यूज की ही ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मुलेट या प्रायोरिटी, विच मीन्स कि स्टूडेंट को अब वैल्यूज का पता चल गया है कि कौन सी चीज़ की कितनी वैल्यू है। उसके सामने थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, अब उसने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज हैं जिनको मैंने अपनी प्रायोरिटी पे रखना है, जो काम मैंने अपनी लाइफ में शुरू करने हैं।
उसने ऑर्गेनाइज, यहाँ पे उसको पता चलेगा किसकी वैल्यू कम है, किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, और मैंने अब इनको कैसे अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज करना, या अपनी पढ़ाई के करियर में, या अपनी पढ़ाई में सॉरी, या अपने करियर में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। वर्ब्स इसके होंगे अल्टर, यानी कि अब उसने अमेंडमेंट्स भी करनी है अपनी लर्न वैल्यूज में, कंपेयर, रिलेट, असेस, फॉर्मुलेट, ऑर्गेनाइज, अरेंज। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब कोई इंसान किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स आती हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप, प्रायोरिटाइज द टाइम फॉर स्टडीज, कि अब उसको पहले, शायद आपके लेक्चर के पहले या आप की क्लास से पहले वो प्लेग्राउंड को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखता था, अब जब उसको पता चल गया है कि मैंने इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है कि मैंने स्टडीज़ को टाइम देना है। एंड अरेंज द फ्रूटफुल डिस्कशंस, कि वो किसी चीज़ की इतनी कदर करता है कि वो अपने पीयर्स से, यानी कि अपने क्लास फेलोज से, अपने फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कशंस ऐसी कर रहा है कि उसमें से उसको पॉजिटिव कंसर्न्स मिलें। लास्ट हमारे पास है करेक्टराइजेशन, और आगे मैंने लिखा है एक्ट कंसिस्टेंटली। करेक्टराइजेशन का मतलब है कि अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चे का शेपिंग, कि उसको सब कुछ पता चल गया है, अब वो उस पर अमल कर रहा है, वो अपनी लाइफ टाइम में उस पर अमल करता रहेगा। ये लाइफ लॉन्ग शायद ना हो, क्योंकि बिहेवियर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक लंबे टाइम तक करेक्टराइजेशन रहती है किसी भी इंसान में, बल्कि कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं जो कि पूरी लाइफ भी कंटिन्यू होती हैं। इनके वर्ब्स क्या हैं? एक्ट्स, इन्फ्लुएंस, प्रैक्टिसेस, सर्व, ठीक है ना। ये सारी वो हैं कि अब उसने वो चाहता है कि मैं इन पे अमल करूं, तो वो एक्ट भी कर रहा है, वो अपनी इन्फ्लुएंस भी छोड़ रहा है, वो प्रैक्टिसेस भी कर रहा है उस पे, वो सर्व भी कर रहा है, यानी एज अ सिविल, हम कहें कि एज अ सिविलियन वो सर्व भी कर रहा है, वो यूज भी कर रहा है, ज्वाइन भी कर रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ज्वाइन लिखा है, पिछले भी मैंने ज्वाइन लिखा था, यहाँ पे मैंने रीड लिखा है, ये आखिरी लेवल है, और मैंने फर्स्ट जो लेवल था उसमें भी रीड लिखा है। तो देखें, दोनों की मीनिंग चेंज होती जाती है लेवल के अकॉर्डिंग। जब मैंने रिसीविंग में कहा कि वो बच्चा रीड कर रहा है, इसका मतलब था कि वो नॉलेज एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे मैंने रीड लिखा है कि बच्चे को पता चल गया है कि रीडिंग की कितनी अहमियत है, और वो अपनी अभी लाइफ लॉन्ग आगे भी रीडिंग की एक, जो है हम कहते हैं कि हॉबी बनाए रखेगा। तो वहाँ रीडिंग का मतलब कुछ और था, यहाँ रीडिंग का मतलब कुछ उससे चेंज है। एग्जाम्पल इसकी ये है, बाय द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड द न्यूज आर्टिकल्स, ठीक है, इसमें एक नई हमने हॉबी डाल दी। प्रैक्टिस नॉर्म्स इन डेली लाइफ एंड सर्व द सिटी एज अ गुड सिटीजन, तो अब यहाँ पे बच्चे का करेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। दिस इज हाउ करेक्टराइजेशन हैपन्स, और ये इंटरनलाइजेशन का लास्ट प्रोसेस होता है। अब है यूज ऑफ इफेक्टिव डोमेन इन एजुकेशन, के ये कहाँ यूज किया जाए और किन चैप्टर्स में, किन सब्जेक्ट्स में यूज किया जाए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशल स्टडीज़ हो गए, या रिलीजियस सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें मतलब इस्लामियात और सोशल स्टडीज़ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेट्रियोटिक टॉपिक्स होते हैं, और ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक्स होते हैं जिससे बच्चे का, जो हम कहते हैं ना, एक ज़मीर जाग उठे, तो इन हम सब्जेक्ट्स में वो डाल सकते हैं। फिर है हेल्पफुल इन नॉर्म ओरिएंटेड डिस्कशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, ऐसी डिस्कशंस जो कि नॉर्म ओरिएंटेड हो, जिसमें वैल्यूज का कुछ पता चल रहा हो, कि जिसमें कुछ मोटिवेशनल कोई पार्ट हो उन उन डिस्कशंस में, बल्कि आई थिंक डिस्कशंस जब बनाई जाए उसमें इफेक्टिव डोमेन यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड हेल्पफुल इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जब प्रैक्टिकम मैंने जब ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट टीचर, मुझे टीचिंग की जो वैल्यू है वो पहले इतनी नहीं पता थी, जब प्रैक्टिकम के बाद पता चल गई, और प्रैक्टिकम के बाद जो आई एम अ यूट्यूबर राइट नाउ, ये इसी चीज़ का मेरे पास, हम कह सकते हैं कि मुझ पर इतनी करेक्टराइजेशन इस चीज़ की एक प्रोजेक्ट ने छोड़ी कि मैं उसको अभी अपनी लाइफ लॉन्ग, मुझे लगता है कि मैं इसी करेक्टराइजेशन पे रहूंगी। आई वॉन्ट टू टीच एंड आई वॉन्ट टू बी अ गुड एजुकेशनिस्ट। तो ये मेरे साथ ये करेक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हुआ, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये डाला है, एज अ स्टूडेंट बन के मैंने इसमें डाला है ये। फिर है कन्फ्यूजन इन वर्ब्स, आपको कन्फ्यूजन्स हो रही होंगी कि बहुत सारे वर्ब्स यहाँ पे भी हैं और कॉग्निटिव में भी थे और सेम सेम जा रहे हैं, तो मैं उसके बारे में टिप्स अभी आपको बताती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी के दैट वन वर्ब कैन ओनली बिलोंग टू वन कैटेगरी, ठीक है, एक वर्ब एक कैटेगरी का कभी भी नहीं होता, वो आप अपनी मर्जी से, यू कैन मिक्स एंड मैच द वर्ब इफ इट इज मेकिंग सेंस टू द मीनिंग ऑफ कैटेगरी।
अगर कैटेगरी किसी और से भी वो वर्ब मैच कर रहा है तो आप उसको किसी और कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक वर्ब सिर्फ एक कैटेगरी या एक डोमेन या एक सब डोमेन से सिर्फ रिलेट करता है। आप यू आर अ टीचर, मैम जैसे कहती हूँ यू आर द बॉस, यू कैन मिक्स एंड मैच इफ़ इट इज़ मेकिंग सेंस, राइट। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।